औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज आईटी कोर्स के सिलसिले में विंडोज़ पर बात करेंगे। विंडो क्या होती है? विंडोज़ आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जो विंडोज़ आपके कंप्यूटर पर लोड होती है वो कंप्यूटर में मौजूद दूसरे प्रोग्राम को चलाने का बंदोबस्त करती है। इसलिए कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जब आप अपना कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो विंडो कंट्रोल संभाल लेती है और विंडो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान ताल्लुक फ्राहम करती है और हमारे लिए कंप्यूटर के इस्तेमाल को आसान बना देती है। लेकिन विंडो आम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जिसमें ज़्यादा सहूलत पैदा होती हैं। यह आपको ऐसे अवामल में आया करती है जिससे आपके कंप्यूटर में मौजूद फाइलों को अच्छी तरह आप रख सकते हैं, उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं और कंप्यूटर के छोटे छोटे नकायस को भी इससे हल कर सकते हैं। इसको ऑन ऑफ करना, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो विंडोज़ चलना शुरू कर देती है यानी लोड हो जाती है। आपके सामने डेस्कटॉप आ जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को बंद करने से पहले विंडो आने के बाद शॉट डाउन की कमांड इस्तेमाल होती है। विंडो का शुरू होना, सबसे पहले सीपीयू और मॉनिटर को बिजली पावर से मुंसलिक कीजिए और विंडो आपके सामने एक स्क्रीन लाएगी, एक खुश आमदीद स्क्रीन भी कहते हैं। नोट, अगर आपके कंप्यूटर पर एक आदमी का अकाउंट है तो आप सीधे डेस्कटॉप स्क्रीन पर आएंगे। जो टिक्स इस्तेमाल करने का नाम तलब कर रहा है और इस पर क्लिक कीजिए और अपना नाम लिखें। 3, पासवर्ड खुफिया वाले टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करें और अपने पास वर्ड लिखें। इसके बाद आगे जाने के लिए ओके का बटन दबाएं और विंडो को बंद करने के लिए बाएं जांघ के नीचे स्टार्ट बटन को दबाएं, जो कि टास्क पर वाक़िया है। शॉट डाउन को क्लिक करें तो आपका सिस्टम शॉट डाउन हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास एक विंडो होगी, शॉट डाउन का डायलॉग बॉक्स में और भी ऑप्शन हैं जिन्हें कंप्यूटर बंद करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिन पर बाद में बात होगी। तवानाई की बचत के लिए हम शॉट डाउन का इस्तेमाल करते हैं जो आपके कंप्यूटर पर खुली तमाम फाइलों को बंद कर देता है और आपके कंप्यूटर पर होने वाली असाबी अमल को ख़त्म कर देता है। आखिरकार विंडो को बंद करता है कि आपकी बेहफाजत आप कंप्यूटर को बंद कर सकें। यह अमल इस बात की यकीन दहानी कराता है कि आपका डेटा महफूज है। नोट, हमेशा कंप्यूटर बंद करने से पहले विंडो को बंद करें वरना आपका डेटा ज़ाया हो सकता है। यहाँ पे आप लॉगिंग ऑफ यानी विंडोज़ को लॉगिंग ऑफ कैसे करना है, कंप्यूटर के इस्तेमाल के मरले के ख़त्म होने को लॉग ऑफ करना कहते हैं। इसे करने से आपका अकाउंट जिस पर आप काम कर रहे हैं ख़त्म हो जाता है लेकिन कंप्यूटर बंद नहीं होता। जब आपका कंप्यूटर से उठेंगे तो लॉग ऑफ करना बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरे लोग आपकी ज़ाती मालूमात तक रसाई न कर सकें। ऐसा करने के लिए चंद सादा इकदाम करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करें। स्टार्ट मेन्यू में सबसे नीचे लॉग ऑफ को दबाएँ और ओके बटन को दबाएँ और यह अमल मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन के लिए लॉग ऑफ और शॉट डाउन के अलावा विंडो दूसरी ऑप्शन भी रखती है। रीस्टार्ट कमांड अपने मरहला ख़त्म करती है, कंप्यूटर शट डाउन करती है और फिर विंडो को दोबारा लोड करती है। यह सारा अमल कंप्यूटर बंद किए बगैर होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।